This man, Kapil Dev. Kirsten was giving himself room to hit through the offside to those shorter boundaries. And look at this. Full pitched on off stump. Yorker length. Brilliant bowling. Got in. And Mandraker has taken the catch. Five balls. And right back into the game. Kapil Dev will have to be very careful here. चल बेटे, देखते हैं कपिल का जादू। इकबाल उठो, 9 बज गए, उठो। 9 बजे तक कोई सोता है? उठो, सब तेरी अम्मी का कसूर है, बिगाड़ के रख दिया है। किसी काम करें, इस घर के कुछ उसूल हैं और यहां ये सब नहीं चलेगा। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। आज इसकी ऐश का आखिरी दिन है, कल से मेरे साथ खेतों में जाएगा। 20 साल का गधा पाल रहा हूं मैं। 18 मोटरसाइकिल ठीक चलता है ना? नहीं नहीं भाई साहब, एकदम अच्छी चलती है। मजबूरी नहीं होती तो मोटरसाइकिल नहीं बेचता। हाँ, रजिस्ट्रेशन पेपर का? हाँ हाँ, ये रहे आपके 4,000। हाँ, शुक्रिया। साइकिल से आऊंगा जाऊंगा तो कसरत भी हो जाएगी, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये सब जाकर टिकता कहाँ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुझे खाते देख दिल खुश हो जाता है। खेतों की बिजली के लिए पैसों की जरूरत है और तेरे अब्बू सरकार से मुफ्त बिजली लेंगे तो नहीं, खुददार जो ठहरे। तो फिर जल्दी से बड़ा आदमी बन जा, इससे पहले कि हमारा दिवाला निकल जाए। आई रे आई आ रे।
अब पानी पीने के लिए, मुंह पे फेंकने के लिए नहीं यार। Bend down. Nitin, ball. Yeah. Fast. Catch. Very good. Knee a little low. Bend a little bit. Yeah. Focus on the ball. Nazar wahin rakho. Receive. Don't put. Phir wahi galti. बॉल पर से नजर कभी मत हटा। आईज इन द बॉल। ओपन योर पाम्स एंड रिसीव। ओके, लाइक दिस। विद लव। यस, रिसीव। मोर स्प्रिंग लाइक एक्शन, ओके? मोर नीज। कोई बेकार का बहाना नहीं है। जब मैं दिखाऊंगी ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, तो तुम अपने घुटनों पर गिरकर मुझसे माफी मांगोगे भाई। गुड। इतनी तेज करोगे तो फिर मैं कैसे समझूंगी? मगर तुम ये जरूर समझ लोगे। हाँ, खुदा हाफिज। कपिल, एक जगह ढूंढता और अपना घर फंसा लेता है। फिर सो। मैंने तुम्हें इन स्विंगर के बारे में जो बताया था, भूलना नहीं। और आखिरी बात ये कि इन स्विंगर बोल करने के 3 रूल्स मत भूलना। हाँ, कहते हो भूल जाते। ओके, कल मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफी है। इस साल फसल कैसी रही? अच्छी रही, लेकिन बिजली की थोड़ी तकलीफ थी। खाला। आदाब खाला। जीते रहो। खाला, इबी भाई नहीं आए? नहीं बेटा, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना। कपिल। हाँ। कुमले। हाँ। हरभजन। बालाजी। हाँ। और ये है हमारा सबसे नया खिलाड़ी इरफान। ये भैंसे भी बड़ी हैरान होंगी, जनानी जात मर्दाने नाम। चल चल। उस वक्त लूंगा जब मैं भी आपको कुछ दे सकूं। जैसा बाप वैसा बेटा। बाजी, कुछ तो मदद करने का मौका दीजिए। अल्लाह के फसल से हमारे पास काफी बरकत है। सच पूछो तो अब्दुल ने ही मुझसे कहा था कि मैं आपको कुछ पैसे देकर आऊं, लौटा देना। तू तो जानती है तुझसे मदद लेने में कोई शर्म नहीं, लेकिन अनवर कभी नहीं मानेंगे। हम्म,
जब वो इबी को लेकर एक बहुत लंबी लेक्चर देंगे। इबी कितना होशियार है, इबी कितना पढ़ता लिखता है, तुम इबी की तरह क्यों नहीं बन सकते, इबी कितनी किताबें पढ़ चुका है, बीए बीओ। बहुत तेज दिमाग है इबी का, हर इम्तिहान में अव्वल। इंजीनियर बनाऊंगी मैं उसे। पाजी आप जानते हैं मैं आपसे मुकाबला नहीं कर रही हूँ। जानती हूँ, मेरे इकबाल के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है, कुछ कर दिखाएगा वो। अभी खेतों में काम करने की उम्र थोड़ी है उसके। मगर इतना बड़ा हो गया कि एक मर्द की तरह खाए भी और सोए भी, तो सब समझता है। समझते हो ना इकबाल? देख बेटा, अभी देर नहीं हुई है। जिंदगी भर भैंसे चराते और सपने देखते तो नहीं बिता सकते ना। इबी को देखो कितना होशियार है, अपनी जिंदगी से कुछ कर रहा है। मैं जानता हूँ तुम वो सब नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें अपने आप को कभी किसी से कम समझने नहीं दिया बेटा। खदीजा, खेती बाड़ी सीख लोगे तो रोजी रोटी भी कमाओगे और वतन के काम भी आओगे। ठीक है, तुम दोनों भी सुन लो, ये मुझसे वक्त मांग रहा है और मैंने इसे एक साल की मोहलत दी है, एक साल, जिसके बाद वो मेरे साथ खेतों में काम करेगा। दोपहर से देना चाह रही थी मैं तुमको। भाई छोड़ो मुझे, मुझे मेरा होमवर्क करना है। गलती मेरी है, उसकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। अगर पैसे होते तो तुम भी जरूर उसे बम्बई के किसी अच्छे स्पेशल स्कूल में भेजते। वह उसके कम से कम दो चार दोस्त ही हो जाते, बचपन के सारे साथी तो आगे निकल चुके हैं, अकेला रह गया हमारा एक बार। मेरा बेटा फिर भी खुश है, इतनी फिक्र मत करो अनवर, देखना वो अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेगा।
क्या तुम सबसे अच्छे हो? क्या पूछ रहा है? कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि वो इंडियन टीम के लिए कब खेलेगा, मेरे बुढ़ापे में, और ये भी कि रोज यहाँ बैठे बैठे मेरी पीठ दुखती है। कब से चल रहा है ये सब? मैं 6 महीने से कह रही हूँ गुरुजी, पर भाई भाई 2 सालों से हर रोज। वो बोलता नहीं और तुम्हारी बोली रुकती नहीं। ये गूंगा बहरा है गुरुजी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे ना तो आपके होठ पर कर सब समझ लेगा। तुम्हारी बहन कहती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो और मेरी पूरी एकेडमी में कोई नहीं जो तुम्हारे आगे टिक सके। उसकी बोलिंग उसकी बातचीत से बेहतर है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो बोल सकता है। भाई चलो, जैसे कहीं भाग जाएंगे अब चलो। अजीत, देखे कि कहीं तुम मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि वो हर रोज की तरह ही खेले। क्या है ना, जब वो हर रोज खेलता है तो उसे बस ऐसे ही देखती है, तो मैंने कहा कि वो यही समझे कि ये सब ऐसे है। कल शाम 5 बजे अब हम चलेंगे तुम्हारे सपनों के पीछे पीछे। तुम्हारे अब्बू इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम ठीक कहते हो बच्चों, हम तुम्हारे अब्बू से झूठ नहीं कह सकते। चलो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। भाई दूर दूर है, अब्बू को शक हो जाएगा। मेरी अम्मी, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी धुन में जरूर रहता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। तुम्हारा लाडला दूध निकाल रहा है। रोजी तो करता है इतनी सुबह सुबह। वो क्या है ना, आपने उसे 1 साल दिया है, वो आपको खुश करना चाहता है। नहीं, मैं नहीं मानता, कुछ तो गड़बड़ है। कब तक छुपाओगे आप लोग? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तू चल जल्दी कर, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है।
अच्छा बाबा, कल से देर तक सोएगा वो, ठीक है ना? ये इकबाल है और ये है उसकी बहन खदीजा। इकबाल एक स्पेशल केस है, बोल सुन नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये ध्यान में रखें। बॉलर है तो अजीत तुम्हारे ग्रुप में खेलेगा। जब तुम्हारे और विकेट के बीच कोई खड़ा हो तो कहानी कुछ और हो जाती है ना। तुम्हारे बॉलिंग में पेस जरूर है, लेकिन जब तक तुम उसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते, तब तक तुम बॉल फेंको या लड्डू, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी गुरुजी, मैंने जल्दी में पेस के बजाय फेस कह दिया। मैंने कहा कि वो अपने फेस को हथियार बनाए और उसे लड्डू फेंके। आप जरा धीरे बोलिए ना। उसे कहना कि सिर्फ काबिलियत काफी नहीं है, हीरे में भी चमक तभी आती है जब उसे तराशा जाता है। चलो चलो चलो, लो लाट साहब वापस धरे पर आ ही गए। कब इसकी सुस्ती जाएगी, कब इसको अक्ल आएगी, अल्लाह ही जाने। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, एल्बो और नी एक लाइन, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, बंद कर लो। इस बार तेरे लिए नहीं है मेरी जान। ठीक है, अबू पे नजर रख। कोई जरूरत नहीं, उनके खराटे अगले गांव में सुनाई दे रहे होंगे। अगर बॉलिंग करना सीखना चाहते हो तो पहले गेंद पकड़ना सीखो। तो अगले पूरे हफ्ते हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कमल, लगता है कि तुम्हें नंगे पैरों में दिलचस्पी है, तो ठीक है, दो चक्कर, जूते उतार कर। कम ऑन नाउ, हरी अप। हाँ इकबाल, आ जाओ इन स्विंग। हालत खराब कर दी।
जल्दी आओ जल्दी। खदीजा किस चीज का इंतजार कर रही हो? जा अपने अबू का थैला लो। गुंगा साला, बहरा साला, गुंगा बहरा साला, तू अपनी और अपनी बहन की सड़ी शक्ल लेके यहां से फुटता क्यों नहीं रे? एक तो तुम ये भूल गए कि मैं सब सुन सकती हूँ, और अगर तुम इतने धीरे धीरे बोलोगे तो फिर भाई भी सब समझ लेगा। बेवकूफ। क्या बोला? गधे, हेलमेट नहीं पहनी थी, फिर से शो ऑफ कर रहा था। हाँ, यू नेवर लर्न। हेलो आकाश। हेलो गुरुजी। वेल दिस खदीजा,
तुम और इकबाल मेरे ऑफिस में मेरा इंतजार करो। मैं जानता हूं कि यह एक्सीडेंट नहीं था। मैं ये भी जानता हूं कि कमल तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। हाँ हाँ, और खतीजा कभी। लेकिन मैंने बहुत बार कहा कि अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। सिर्फ कमल की मुझसे नहीं बनती। तुम्हारे आने से पहले कमल यहां का स्टार था। अब कुछ फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सारी जिंदगी इसी मौके का इंतजार किया है गुरुजी। इसके सब मेरे हाथ बंधे हुए हैं बेटा। मुझे और बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कमल के पिता को खुश रखना इस एकेडमी के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझसे जो कुछ हो सकता था मैं कर चुका। नहीं बेटा, गिड़गिड़ाओ मत, प्लीज चले जाओ। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं
मैं नहीं हूँ। अरे नहीं 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 मैं नहीं हूँ। हाँ मैं ही हूँ। ये बहुत पहले किसी पिछले जन्म में मैं तुझे कुछ मैं ये क्या होता है यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या क्या बोल रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है दिमाग खराब हो गया तेरा मैं तुझे बॉलिंग करना सिखाऊंगा नहीं 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 ये मुमकिन नहीं है नहीं बच्चे तू क्या करेगा बॉलिंग सीख के मुझ जैसा बनना है तुझे नहीं 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 है नहीं उससे नहीं नहीं जा यहां से जा अपने सपनों को हारने नहीं देना मेरे लाल चलता रहेगा मेरा क्या है मुझे तो पीना और सोना है तू अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद कर रहा है क्या बेहुदा मजाक है कहो ना इसको अपना वक्त जाया नहीं अरे जब तक मैं हार नहीं मान लूंगा तब तक तू मानेगा नहीं ठीक है कल से मैं तुझे बॉलिंग करना क्या
कब से? हाँ अब जा। अम्मी आ रही हूँ। अम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? अम्मी लगता है भाई का दिमाग में सदमे से हिल गया है। बकवास मत कर। और नहीं तो क्या? अरे वो कहता है कि उसे एक नए गुरुजी मिल गए हैं। सच में? मेरा बाप उसके बाद अब तू। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है तू? ये एहसान क्यों? लगा दीजिए ये मनहूस सुई और वो दवाई भी दे दी मुझे। थैंक यू वेरी मच। और इस सरदर्द की कोई दवाई हो तो वो भी दे दीजिएगा। नहीं तू सिद्धी सा, मैंने तुझसे झूठ बोला था तुझे वापस आके कोच करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तब मैंने इकबाल ने जुर्म कर लिया, चाहे इस इकबाल ने सुना हो या ना सुना। ₹2.35
लोगों को एक्टिंग करनी नहीं आती, तुम लोग अपना मैच देखो जाओ। देर कर दी छोटे आने में, थोड़ी देर और कर लेता तो मेरी बोतल खुल जाती। आजकल अपना विल पावर कुछ ज्यादा। हाँ ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं यार, एक दिन कोशिश करके देखते हैं, फिर अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो तू अपना रास्ता पकड़, मैं अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू मेरी बात समझेगा कैसे यार। चल चल चलो विकेट लगाओ। श्री गणेश ही गलत। बीस साल के बाद भी वक्त की दीमक ने इन बाजुओं को अभी खोखला नहीं किया। एक घूट हो जाए तो छुट्टी हो जाएगा। एक घूट जस्ट गलत नहीं है। एक घूट चाहिए मुझे। अरे एक घूट चाहिए, पूरी बोतल थोड़ी मांग रहा। कोचिंग मैं तुझे दे रहा हूं कि तू मुझे दे रहा है? अब मुझे बोलिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ मेरा दिमाग खराब हुआ है? दो चार बातें सिखा दूंगा, फिर उसके बाद बोलिंग तो करनी तो तुझे ही है, आखिर कोच तो मैं हूं ना। इतना काफी, खत्म। मुझे मालूम था तू कुछ ऐसा ही बोलेगा। पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम आपस में बात कैसे करेंगे। अगर अब्बू को मालूम हुआ कि मैं स्कूल को पटमार कर यहाँ पर बैठी हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, बोलो क्या बात है। मुझे जितना आता है मैं इसे सिखा दूंगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, इतनी शराब पी है मैंने। अपनी लेक्चरबाजी के लिए मुझे यहाँ पर बुलाता है, आपको कुछ और ही कहना है? आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करती ना। मैं अपने भाई को फिर से दुखी नहीं देखना चाहती, और वैसे भी ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला है, तुम फिर से पीना शुरू कर दोगे। मैं भी उसी ही कह रहा था, पर ये माने तब ना। लेकिन जब तक हम दोनों इस खेल में अटके हुए हैं तो आप जरा मेहरबानी करके मुझे बर्दाश्त करने का थोड़ा सा नाटक कर लें तो हमारे लिए जरा आसानी होगी। खुदा कहता है कि शराब पीना बुरी बात है। खुदा तो बहुत कुछ कहता है, मैं इसीलिए शराब पीता हूँ कि उसकी आवाज मेरे कानों तक ना पहुंच सके। अब अगर आपने मेरे गुनाहों का हिसाब करना पूरा कर लिया हो तो हम कुछ काम करना शुरू करें। एक घूट मिल जाती तो दिमाग उतरने लगता। नहीं
रास्ता मिल गया। चलो आओ बच्चों। भाई तुम्हें इस पर भरोसा है? हाँ ये मिल गया। लेकिन ये तो गुरुजी का टाइम टेबल है ना? हाँ मालूम है मुझे। तो ये था आपका शानदार प्लान? अब ये तो तुझे मालूम है ना? क्या कह रही है? भाई कहता है कि अगर उसे फिट बनना है तो फिर आपको भी। अरे अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमा छोटे। क्या 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 कह रहा था? कि कल सुबह मिलेंगे। देखता रहे सपने। मजाक कर रहा था ना? जान के पीछे पड़ा है। यमदूत ने भेजा है तुझे कि मेरे मरहूम पापा ने इतने सालों बाद भी हमारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या पापा? पूछे है जिंदगी हमसे जीने की अदा, बोले ये रास्ते यारो जाना है कहां? महीना भी नहीं बचा। जीतने के सिवा कुछ न हम जानते, जीतने के सिवा कुछ न हम जानते, कर दिखा ठानते, चलते हैं लेके हम मुट्ठी में सारा जहां। ओए 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 बॉलिंग करने का ये मतलब मैं ये सब करूंगा तो जो बोलना है वो भी भूल जाऊंगा। खदीजा एक मिनट एक एक बॉलिंग करने का ये मतलब नहीं है कि हर बॉल पे स्टंप्स उड़ाने की कोशिश करो। हर बॉल पे स्टंप्स उड़ाने की कोशिश
राइट, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें रोक लेगा। हाँ, ये दिमाग का खेल है जो दिल से खेला जाता है। दिमाग का खेल जो दिल से। जो मैं कह रहा हूँ आप वही बताइए ना प्लीज। कोई बैट्समैन तुम्हारी बॉल को क्यों मारता है? क्योंकि वो तुम्हें समझ गया है, वो पढ़ लिया है उसने तुम्हें, वो तुम्हारे दिमाग में झांक के देख सकता है कि तुम किस तरह की बॉल डालने वाले हो, राइट? लेकिन अगर आखिरी वक्त तक तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है कि तुम किस तरह की बॉल डालने वाले हो तो वो ये कैसे करेगा? अपने दिल का सहारा लेके, दिल का सहारा लेके। अब ये बात तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। तुम पहले से फैसला मत करो कि तुम किस तरह की बॉल डालने वाले हो, बिल्कुल नहीं। बैट्समैन को फैसला मत करो, बैट्समैन को देखो, गौर से देखो, उसे पढ़ो, उसके हाव भाव देखो, और फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड पर जब बॉल तुम्हारे हाथ से छूटने वाली हो, तब अपने दिल से पूछ के कि मुझे कौन सी बॉल डालनी चाहिए, कितनी लेट कि बैट्समैन भी नहीं पढ़ पाएगा। मतलब आपको बैट्समैन से वो सब करवाना है जो आप चाहते हैं? करेक्ट। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। छोटी मोटी तरकीबें मैं सिखा सकता हूँ, असली जादू तो तुम्हें ही चलाना है। चलो 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 चलो। मोहित जी, आपने यहाँ दिल बताया और यहाँ दिमाग। हाँ, दिमाग और दिल जब एक साथ काम करते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि दिमाग कौन सा है और दिल कौन सा है। और यही तुम्हारे भाई को समझना है। ये कपिल देव, कुमले, हरभजन, बालाजी, राइट। और ये है हमारा सबसे फेवरेट खिलाड़ी इरफान। सारे बॉलर्स ही क्यों? भाई का कहना है कि बैट्समैन सारी शोहरत ले जाते हैं और बॉलर्स को उतना भाव नहीं मिलता जितना उनका हक है। अब इसे जरा समझाओ कि इसे मुझे मजबूर करना है कि मैं इसके चुने हुए फील्डर या इस केस में इन भैंसों को ही बॉल मारूं। खदीजा, आप अलग अलग नंबर दिखाने की सहमत उठाएंगे? थैंक यू वेरी मच। खदीजा अलग अलग नंबर दिखाएगी वहां से जो तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। मैं बॉल मारने के बाद ही देखूंगा कि कौन सा नंबर। चलेगा। अरे ये
ये क्या है? पुराने जमाने में इसे मोहित स्पेशल कहा करता था, चक्रव्यूह। अरे ये बैट्समैन जब बॉल को मारे वहां नहीं जहां फील्डर हो, बल्कि वहां जहां फील्डर उस वक्त तो ना हो, बल्कि सही टाइम पर पहुंच जाए कैच लेने के लिए। पुराना वक्त कभी पीछा नहीं छोड़ता। इकबाल और मैं क्रिकेट कोचिंग। माफ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। इकबाल के अब्बू क्रिकेट लव से बड़ी नफरत करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। कल इकबाल का जन्मदिन है, उसे ये दे दीजिएगा। जूते ये मत बताइएगा कि मेरी तरफ से हैं, वरना शायद वो इनकार करते हैं। लेकिन मैं इसे, देखिए इनके बगैर वो लोग उसे मैदान में उतरने नहीं देंगे। उसकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनिए, उसको नाउम्मीद मत होने दीजिए। कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको जान से मार दूंगी। शुक्र की औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी पहले ही मुझे धमका चुकी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब इसकी भाषा थोड़ी बहुत समझने लगा हूँ। जब आप इसकी भाषा पूरी समझने लगेंगे ना, तब आपका जाने का वक्त हो जाएगा। जाने का वक्त हो जाएगा मतलब? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कब तक? अरे यार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हैं? मैं कभी जीत भी सकता हूँ आपसे? सिर्फ उस वक्त जब भाई इंडियन टीम के लिए चुनाया जाएगा। हाँ, और तब तक? तब तक मैं आपको शक की निगाहों से देखती रहूंगी। मारे लिए इकबाल ने कहा कि तुम्हें किताबों का बहुत शौक है। मुझे मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरा शक कम जरूर हो गया है। कल मैं बच्चों के साथ फरीदा के यहाँ जा रही हूँ। ख्याल रहे उसका बेकार शौहर मेरी औलाद को अपनी उल्टी सीधी बातें न सिखाए। जी, वतन के काम आने के बजाय बैठा रहता है, गिड़गिड़ाता हुआ। मैं ख्याल रखूंगी कि वो इनसे दूर रहे। तो मैंने सही सुना कि तुम इकबाल को ट्रेन कर रहे हो। गुड लक। थैंक यू। वैसे आपको तो लक वक की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, हमारे दो चार टैलेंटेड लड़के जरूर होंगे। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है।
मिस्टर मित्रा, एक्सक्यूज मी सर, मुझे मालूम है ये ज़रा अजीब सा रिक्वेस्ट है, लेकिन मेरे साथ एक लड़का आया है जो मुझे लगता है इस टीम में खेलने के लायक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? वो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला नहीं है। कौन से लीग टीम के लिए खेला है? वो किसी भी टीम के लिए खेला नहीं है। किसी भी टीम के लिए नहीं, यानी किसी भी टीम के लिए खेला नहीं है। देखिए, अगर हम हर गली के खिलाड़ी को यूं ही देखते बैठ जाएं, तो हमें महीनों लग जाएंगे। मैं सिर्फ चंद मिनट मांग रहा हूं आपसे, प्लीज। सर, ये नामुमकिन है। सिर्फ 10 मिनट लंच ब्रेक में, सिर्फ 10 मिनट प्लीज। I hope I'll make it, Dad. हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो गुंगे, तुम सिर्फ अपना गेम पर ध्यान दो, राइट? क्या हुआ? 5 मिनट मिले हैं। बस 5 मिनट? लंच ब्रेक में। इतना वक्त काफी होगा? बहुत है, बहुत है। अच्छा, आपका अल्लाह मियाँ आपकी बात सुनता है क्या? हाँ, हमेशा। तो जरा आवाज लगाइए, मेरा भगवान तो कब से नाराज बैठा है मुझसे। मोहित जी, मैं जानती हूँ कि तुम बाथरूम किस लिए गए थे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। थैंक यू। आप विकेट कीपर, 2 कदम पीछे। क्या ये लगातार ऐसे बोल कर सकता है? दिन भर। स्पीड तो अच्छी है, लेकिन निशाना कैसा है? हाँ, एक मिनट। आपका लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आप उसे टीम में नहीं रख सकते। सॉरी, टीम में कोई जगह नहीं है। बाय सर। बाय सुनील। बाय सर। देखिए, मैं आपको कोई वजह तो नहीं बता सकता। नहीं है सर। एक मिनट सर। एक मिनट। आंध्रा टीम में एक वैकेंसी है, आप कहे तो उस लड़के को मैं उस टीम में जगह दिला सकता हूँ। नहीं, मानता हूँ कि वो एक कमजोर टीम है रणजी लीग में, लेकिन रणजी टीम तो है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका फैन था। अब तो मुझे जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका काम खत्म कहाँ हुआ है? मेरा बेटा इंडिया के लिए कब खेलेगा? यार, इस घर की औरतों से मैं नहीं जीत सकता। आओ आओ, आ गए तुम लोग।
आज बाजार में बहुत अच्छा सौदा हुआ, ये साल हमारे लिए बढ़िया होगा। किसके साथ? वो एक नई कंपनी है, वो लोग मकई सीधा हम ही से खरीदेंगे, बीच में कोई दलाल वलाल नहीं। फरीदा कैसी है? हाँ अच्छी है, उसके घर वाले तो कह रहे थे कि। कम से कम इतनी तो शर्म करो कि मेरी नजरों से नजरें मिलाकर झूठ मत बोलो। विपिन ने तुम लोगों को माहीपुर की बस में चढ़ते हुए देखा था, वहां पर स्टेट की क्रिकेट टीम चुनी जा रही थी, वहां पर गए थे। समझ जाना चाहिए था मुझे, समझ जाना चाहिए था। इधर इधर आ, तू इधर आ। कल से तू मेरे साथ खेतों में काम करेगा। नहीं नहीं, अरे खेतों में हल चलाने के लिए मजदूर की तनख्वाह नहीं दे सकता मैं। तुम लोगों का पेट पालने के लिए मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है और तुम्हें देखो एक खेल देखो समझने की कोशिश कीजिए। पागल हो गए? रणजी टीम के लिए चुना गया है वो, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक भी मैच को खेले बगैर। बस ला इधर ला। देख मैंने इसे वादा किया है इसलिए मारूंगा नहीं, पर तू मेरा सबर मत आजमा। ला ला देखिए इकबाल, इकबाल उठो। खुदा के वास्ते यहाँ मत आया कीजिए मोहित जी, अगर मेरे शोहर ने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको जान से मार देंगे। अच्छा आप मर्द भी? मुझे तो लगता था मुझे सिर्फ इस घर की औरतों से खतरा है। इकबाल के अब्बू को पता चल गया है, अब्बू उसे खेत में काम करने ले जाते हैं। शायद जो हो रहा था खुदा को मंजूर ना हो। जो अब हो रहा है वो मुझे मंजूर नहीं है। अनवर साहब, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं मोहित। मोहित? अच्छा तो आप हैं वो क्रिकेट के उस्ताद और यहाँ के सबसे बड़े शराबी भी। था, कड़वाई सही सच तो सच ही होता है। देखिए हम नमाज पढ़कर आ रहे हैं, हमें नापाक मत कीजिए। देखिए देखिए अनवर साहब, मैं इतना बेशरम भी नहीं हूँ कि आपसे नमाज के वक्त मिलने आऊँ शराब पी के। मुझे सिर्फ आपका दो मिनट का वक्त चाहिए, इकबाल के बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। देखिए मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, बात यह है कि क्रिकेट का नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है। क्यों, खेल ही तो है। गलत, सिर्फ एक खेल है तो सारे मुल्क को ताला क्यों लग जाता है? जानते हैं कितना नुकसान होता है जब ये मैच खेले जाते हैं, सब काम रुक जाता है। हाँ, लेकिन ये देश को जोड़ता है, एक करता है, रोशन करता है, कुछ नहीं करता है। दो चार खिलाड़ी लाखों कमा लेते हैं और उतने से भी उनका पेट नहीं भरता।
तो लोगों को धोखा देते हैं जो उनका खेल देखने पैसा देकर आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा काम ऐसा है जहाँ दो चार लोगों ने अपना ईमान ना बेचा। बेहतर होता अगर ये इनाम उन खिलाड़ियों के बजाय हम किसानों में बांट दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता। क्रिकेटर कोई किसान से कम मेहनत नहीं करता अनवर साहब। आपका बेटा अपनी मेहनत के जोर पे बगैर एक भी मैच खेले रणजी की टीम के लिए चुन लिया गया, ये आज तक नहीं हुआ है। अब भी आपको उसकी काबिलियत का शक है? देखिए उसका भविष्य मेरी नजरों में है, एक ऐसा भविष्य जिसमें रोजी रोटी भी है और इज्जत भी। वो किसान बनेगा। देखिए देखिए मेरा यकीन है कि हम सब इस दुनिया में कोई एक खास काम करने के लिए भेजे गए हैं। ज्यादातर लोग तो उम्र भर भटकते रहते हैं ये जाने बगैर कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। कुछ ही खुशकिस्मत हैं जो इस खजाने को पा जाते हैं, और हम में से कुछ ऐसे भी बेगैरत हैं जो इसे गवा देते हैं। आपका बेटा क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, उसके लिए उसकी जिंदगी मुकम्मल होती है। क्रिकेट खेल के जीने का सलीका मिलता है, सांस लेने की कुव्वत आती है उसे। ये सब आप छीन लेंगे उससे, मुझसे। आपकी निजात के लिए मैं अपने बेटे को सूली पर नहीं चढ़ा सकता। खुदा हाफिज़। आप गुनाह कर रहे हैं, मालूम है ना आपको? गुनाह कर रहे हैं आप। अपने बेटे के भविष्य का गला अपने हाथों से घोट रहे हैं, अपने हाथों से। चल क्रिकेट खेलें। इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगा, वो तो मेरा काम है। सुन, मेरे पास एक प्लान है। रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। We'll be right back.
ठीक है, बताओ कहाँ है वो। कुछ और है ना, ये वीक हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, सो बॉयज लेट्स गो आउट देयर एंड डू आवर बेस्ट। यस कम ऑन, आई नीड दैट जोश। द टीम इज नरसिम्हा, धीर, विवेक, डेविड, वेंकट, इकबाल, मोहम्मद, अयुब, श्रीधर। पहली जीत के नाम और हमारे उस मैन ऑफ द मैच जिसका इस जीत में बहुत बड़ा हाथ था, थ्री चीयर्स फॉर इकबाल। आंध्रा की कामयाबी है, हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज है। नए गेंदबाज इकबाल खान ने हर मैच पे 8 विकेट की औसत बनाए रखी। बस इतना ही थर्टी फूल। सॉरी अम्मी, मगर भाई के बारे में बस 3 ही लाइन लिखी है लोगों ने। कैसा है मेरा इकबाल? बिल्कुल ठीक है। आइए। वो चाहता है कि आप आए, उसे खेलते हुए देखें। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बहुत खुश है वो। आपको, खदीजा को बहुत याद करता है, अपने अब्बू को भी। मैं भी भाई को बहुत याद करती हूँ। वो घर आना चाहता है लेकिन अपने अब्बू की इजाजत लेके। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, ये वो चाहता है कि मतलब कम से कम आपसे बात तो कर पाए मेरे जरिए। का मैच भी हम लोग जीत गए हैं। मैंने 6 विकेट लिए। अभी भी ठीक है। अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है, कल फाइनल्स है। मैं कोशिश करूंगी मेरे लाल। नो, कोशिश आना पड़ेगा।
कि तुम्हें कहा तो नहीं पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ज्यादा तो नहीं हो गया? आप प्लीज आ जाइए। मैं ये पूछने की जहमत भी करूं कि कहां जा रही हो? आज नहीं शायद, आज नहीं, खुदा के लिए आज नहीं। बैंक ने हमारी बाकी की जमीन भी जब्त कर ली है, हम बर्बाद हो गए हैं। फिर भी जाना पड़ेगा अनवर, मेरे बेटे का साथ देने। मेरा साथ छोड़कर ये नौबत आई क्यों अनवर? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है? सोचा था आप कभी तो अपने बेटे को समझ पाएंगे, वो अपने सपनों के लिए जीता है अनवर। बस बहुत हो गया, जब से इकबाल पैदा हुआ है मैं यही बकवास सुनता आ रहा हूँ। सपनों से किसी का पेट नहीं भरता, सपनों से हमारी जमीन वापस नहीं आ जाएगी। तुमसे उसे मिला भी तो क्या, उस बेकार खेल का पागलपन और बेसाब जुनून। और आपसे आपकी लगन, ये क्यों नहीं दिखता आपको? एक मामूली खेल हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये कभी सोचा ही नहीं था। बात उस खेल की कभी थी नहीं अनवर, कभी थी नहीं। मैंने जो किया उसके खातिर किया। आप जानते हैं ये सच नहीं है। उसके कल के लिए एक बाप का फर्ज तो खूब निभाया, लेकिन अपनी मुसीबतों के लिए उसे गुनहगार ठहराया। ये सच नहीं है। 3 साल सूखे की वजह वो नहीं है, आपकी जमीन बिकने की वजह वो नहीं है, अपने धंधे में जो गलतियां की उसकी वजह वो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की इतनी सारी खुशियों की वजह वही है अनवर। उसे मेरी तकदीर से मारना था साहिदा, मुझे इस मामूली और बेबस जिंदगी से उबारना था साहिदा। और वो यही करेगा। आप अभी तक उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। ये मैंने क्या कर दिया साहिदा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माफी तो किसी और से मांगनी है आपको। गुरुजी शुक्रिया आप आए। मोहित, तुम्हारा लड़का वाकई कमाल का है। ऐसा खिलाड़ी तो एक सदी में एक बार मिलता है। इस साल रणजी ट्रॉफी हमारी है। हो सकता है तो मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि इंडियन टीम के कुछ सिलेक्टर्स फाइनल्स देखने आ रहे हैं। शायद। तो क्या डील ऑफर कर रहे हो? कोई डील नहीं, यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया। इन बच्चों को अपना गेम खेलने दीजिए, ये बाजी मैदान पर ही तय होने दीजिए। मोहित, नादान मत बनो। तुम जानते हो कि धंधे और सौदे इस खेल का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। इस देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी भी सौदों की वजह से ऊपर आए हैं। मुझ जैसे लोग और अब तुम भी वो सौदे करते हैं जिनसे द बेस्ट पॉसिबल टीम तैयार हो सके। इसीलिए मेरी जगह का सौदा किया था आपने। मोहित, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन कई बार सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ रहते तो कभी ना कभी मैं तुम्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट करवा ही देता। अगर कोई दूसरा रईस ज्यादा आपकी चौखट पे ना आता तो? मैं सिलेक्ट नहीं हुआ इसका अफसोस नहीं है मुझे। अगर कोई चीज है जिसने मुझे तोड़ा है तो वो ये कि जब मैं
बेबस और लाचार था तब एक दफा भी आपने अपना हाथ नहीं रखा मेरे सर पे। एक दिन मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे भगवान थे आप, और दूसरे दिन मैं आपकी एकेडमी के रजिस्टर में एक नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैं सिर्फ ग्रेट प्लेयर्स बनाना चाहता हूँ, बस। मेरी बात सुन लीजिए, इकबाल के साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। इस वक्त इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर की नहीं, और कमल वो बैट्समैन है। आप जो चाहे कर लीजिए गुरुजी, ये लड़का मेरी तरह हार मान के गुमनामी में नहीं खोएगा। इकबाल की किस्मत में वो नीला यूनिफॉर्म लिखा है, और वो उसे मिलने से आप और आपकी दलाली कभी भी नहीं रोक सकती। तो फिर मैं उसका भला चाहता हूं। एक मुद्दत से ये बात कहना चाह रहा था आपसे, आपसे, अपने बाप से, और हर उस इंसान से जिसने मेरा भला चाहा है। गो टू हेल। एक मैच और, लेट्स मेक हिस्ट्री बॉयस। यस, लेट्स गो। कि आपको किसी होटल में कमरा नहीं दिला सका, इकबाल के लिए ग्राउंड छोड़ना मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमें तो जाना है। हम तुझे खेलते हुए देखना चाहते थे, क्या करें, जाना ही है। कुछ पैसों की प्रॉब्लम है? हाँ तो नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझ में दोबारा लड़ने की हिम्मत आ गई है। घबरा मत बेटा, हम तुझे टीवी पर देखते रहेंगे हर रोज। मैं अब थोड़ी बैटिंग करनी भी सीख रहा हूं। मैं पूरी मेहनत करके कोशिश करूंगा। और क्या आपको लगता है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको ये मैच जिता पाएगी? ये पिच देख के आपको क्या लगता है कि ये स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी या फास्ट बॉलर्स को? और मोहित जी, आपको क्या लगता है, इकबाल इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? Autograph, please. तेरा पहला autograph, छोटू। Thank you. Hero, ये सब के लिए बहुत time पड़ा है। हेलो। हेलो, आई एम सतीश भाटवड़ेकर फ्रॉम मीडिया पार्टनर्स।
देश के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी बड़ा प्लेयर चुन लो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दरअसल हम समझते हैं, बल्कि यकीन रखते हैं दिल से, कि आपके जैसे होनहार खिलाड़ियों के ख्वाबों को हम पूरा कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं तो फिर सारा जहां साजिश करके उस ख्वाब को पूरा करेगा। हमारा रिसर्च बहुत ही एक्सटेंसिव है। हमने आपको उस वक्त से फॉलो किया है जब आपने पहली बार क्रिकेट के मैदान में कदम रखा। हम आपको सबसे अच्छा डील दिलवाएंगे, टीवी, पब्लिक अपीयरेंस, एडवर्टाइजमेंट और पता नहीं पिक्चर भी, और इन सब के साथ एक शानदार साइनिंग बोनस। आप हमारे साथ बहुत खुश रहेंगे, तो क्या ख्याल है आपका? वैसे ये बोल सुन नहीं सकता। मजाक मत कीजिए सर। ओ वाह, रियली? वैसे देख रहा हूँ कि आपका रिसर्च वाकई काफी एक्सटेंसिव है। तो मैं चलूँ? हाँ चलिए, और वापस मत आइएगा। ये तो शुरुआत है, अभी देखो ये गिद्ध कैसे चारों तरफ से तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। हाँ मैं हूं तेरे साथ, पर हमेशा के लिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, कहा ना, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं। अरे बड़ा जिद्दी है यार। हाँ लेकिन किसी को मालूम नहीं है सिलेक्टर है कौन। तुम प्रैक्टिस के बाद हम दोनों मिलते हैं होटल में, ओके? इनिंग्स में 114 रनों की लीड पा लिया उन्होंने। दो दिन बाकी है, कल शाम तक हमें 400 रन बनाने होंगे, फिर एक दिन होगा हमारे पास 300 रन के अंदर उन्हें ऑल आउट करने के लिए। तो फिर चलो जान लगा दो, लेट्स डू आवर बेस्ट। एनपीएन के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हमारे साथ इकबाल के माता पिता और छोटी बहन है। खान साहब, आपको ऐसे टैलेंटेड बेटे के पिता होना कैसा लगता है? भाई वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर है। बस अल्लाह की मेहरबानी है। मेरा ये यकीन है कि हम सबको इस दुनिया में कोई एक खास काम करने के लिए भेजा गया है। मेरा बेटा इकबाल क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ। अरे ये तो मैंने कहा था, उसकी जिंदगी मुकम्मल होती है, उसे जीने का सलीका मिलता है। मेरा डायलॉग मार लिया। हेलो इकबाल, एक मिनट बात हो सकती है? होंठ पढ़ सकते हो ना? क्या हम बैठ नहीं सकते? चलो तुम्हारी मर्जी। अफसोस कि तुम्हें एकेडमी छोड़नी पड़ी, लेकिन तुम जानते हो कि उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। असल में प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर की नहीं, और वो बैट्समैन कमाल है। सुनो, कल जब तुम्हारी टीम फील्ड पर होगी तो तुम अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे, खास तौर पर जब कमल बैटिंग कर रहा हो। कमल की शानदार बैटिंग के जोर पर उसकी टीम जीतेगी, तो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? आज मैं कमल के लिए सौदा कर रहा हूं, कल तुम्हारे लिए करूंगा।
तुम इंडियन टीम में खेलोगे लेकिन इस साल नहीं। इट्स अ फेयर डील और ये साबित करने के लिए ये लो 25 लाख का चेक अपने बाप की जमीनें वापस लाने के लिए। तो ये सौदा करके तुम न सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी बनोगे बल्कि एक अच्छे बेटे भी। अगर तुमने ना कहा एंड आई हिट दिस पार्ट लेकिन अगर तुम ये सौदे से इनकार करते तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी इंडियन टीम में खेलने नहीं दूंगा, ना आज ना कल ना कभी। और अगर तुम समझते हो कि मेरी इतनी पहुंच नहीं है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मैं तुम्हारी खामोशी को हां समझूं। पैसा, बाप की खुशी, अगले साल इंडियन टीम में खेलने का मौका, ऐसे मौके से एक नादान ही मुंह मोड़ सकता है। तुम अपने गेम प्लान से भटकते जा रहे हो छोटे। बैट्समैन को अपने दिमाग में झांकने दे रहे हो। ये हुई ना समझदार बात। मैंने कहा था ना दिमाग का खेल दिल से। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। हाँ जानता हूं। देख तुझे अपने सपनों पे भरोसा है ना तो सारा जहां साजिश करेगा उन्हें पूरा करने की। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है मेरी समझ नहीं आया। किसी ने कहा अरे मैंने सोचा कह दूं कि तेरा मूड ठीक हो जाए। अरे कोच का यही तो काम है कुछ बेकार सा भाषण दो ताकि प्लेयर्स का हौसला बढ़े। किसने क्या कहा ये कि सारा जहां साजिश। अरे वो है ना वो क्या था वो एजेंट। आई एम सतीश भाटवडेकर। वो हेलो आई एम सतीश भाटवडेकर है ना वो। Thank you.
सुबह की ठंडी शुरुआत के बाद इकबाल खान में जैसे नई जान आ गई। लंच के बाद के इस तेज तरार खेल में उन्होंने 5 विकेट लेकर अकेले ही मैच का रुख बदल दिया और आंध्रा की टीम को वापस मैच में ला खड़ा किया। अब जब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में है, मैच एक बहुत ही रोमांचकारी मोड़ पर रुका हुआ है। 18 रन या 1 विकेट, एक और विकेट और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में आंध्रा पहली बार ये रणजी ट्रॉफी जीतेगा। क्या हुआ क्या? नहीं मगर वो एक्सक्यूजेस कौन सुनेगा? यू गॉट टू फोकस, डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, प्ले स्ट्रेट, ओके, एंड डोंट लूज योर विकेट्स। मैं अभी आया। किसी को ढूंढ रहे हो? मुझे मालूम नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा पिता और तुम्हारा भविष्य एक नाजुक डोर से लटक रहे हैं। कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। कमल को सेंचुरी बनाकर मैच जीतने दो। गुड लक। लोग पीछे पीछे, बी अलर्ट गाइस, ओके, बी अलर्ट। हेलो जोशी, तुम अपना काम कर चुके हो, अब स्पिनर्स की बारी है। ये कोई गली क्रिकेट नहीं इकबाल, इसमें एक स्ट्रेटजी होती है। कमल तुम्हारी बॉलिंग बहुत आराम से खेल रहा है और वो स्पिन अच्छा नहीं खेलता। बॉल पुरानी हो चुकी है और बॉलिंग दोषी करेगा। ये दोनों कर क्या रहे हैं? क्या कर रहा है यार? आई मस्ट बी क्रेजी। दोषी, कुछ गड़बड़ हुई ना, दोनों लटकेंगे। साला जीनियस है। कुछ नहीं,
शाबाश। दिमाग का खेल दिल से, गुरु से नहीं। बहुत अफसोस की बात है, सिलेक्टर आए ही नहीं। मैच में 12 विकेट लेने के बाद और मैच जीतने के बाद भी अगर इंडिया की टीम में नहीं सिलेक्ट हुए तो पता नहीं कैसे हो गए। यू ट्रेचरस। क्या बात मोहित, ये हमारा आपस का मामला है, हमारे बीच सौदा हुआ था। चेला अपने गुरु को संभाल रहा है। तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब देखता हूं कौन और कैसे तुम्हें इंडियन टीम में लेता है। पूरी उम्र तू और तेरा ये शराबी गुरु खेतों में क्रिकेट खेलते रहे। हां, जहां रहा सवाल खेतों का, तेरे बाप को बर्बाद करके ही रहूं। इकबाल, बाकी टीम के साथ बाहर सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे गुरुजी, बहुत दिन हो गए आपके किसी खिलाड़ी को साइन किए हुए। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो। ये सब पेपर वर्क करने में मेरे सर के आधे बाल सफेद हो गए। अब यहां साइन कर दो बस। और जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहला चेक हमारे जेब से निकलेगा, और इस चेक के बाद हमारा जेब ही निकल गया। ओके, इट्स अ बैड जोक। पूरे 50 लाख। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? हेलो गुरुजी। हेलो कपिल। हाय, मैं कोलीपाड एक्सप्रेस से मिलना चाहता था। एक बॉलर ही बॉलर की अहमियत जान सकता है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई पाजी। आप इनके पिताजी हैं? जी नहीं, सिर्फ फील्ड पे। सुना है इसने अपनी भैंस का नाम हमारे ऊपर रखा है। हाँ। वो कह रहा है कि मेरी फेवरेट भैंस का। चलो इसी बहाने नाम तो होगा। कपिल, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो। तुमने एक बहुत अच्छी मैच मिस कर दी। नहीं, मैंने देखा, बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, गुड परफॉर्मेंस। डिनर पे चले। गुड लक। तुमने कमल की इनिंग्स देखी? सही टाइम में फॉर्म में आ गए। एक्सक्यूज मी, तो सर मैं चलूं? छोटे, जा रहा है तेरा इंडिया की टीम का चांस। कोई बात नहीं, अगले साल फिर। वेल डन, इंडियन टीम को इस वक्त ऐसे बॉलर की जरूरत है। पर अब गुड लक।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, जन्नत से